हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो भाई, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज बनाने वाले हैं हम ये सुपर सॉफ्ट स्मूथ और हेल्दी सा नाश्ता। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये इतना बढ़िया नाश्ता है कि आप इसे किसी भी त्यौहार पर या किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने इसको बनाने के लिए 1 कप गुड़। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप हमेशा इस तरह से थोड़ा सा डार्क कलर का गुड़ का यूज़ करें। ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें केमिकल और सोडा वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से डार्क कलर का गुड़ ले लिया है और 1 कप की क्वांटिटी में लिया है। इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें हम इसी कप से 1 कप पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने 1 कप पानी डाल दिया है। अब चम्मच से थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं ताकि ये पानी में थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा। और इसे हम ढक्कन लगाकर ढककर थोड़ा सा रख देंगे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये गुड़ जो है अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। अब ये देखिए, आधे घंटे हो गए हैं। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं और यहाँ पर गुड़ जो है एकदम पानी में पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, घुल गया है पूरा अच्छे से। अब यहाँ पर हम 1 कप लेंगे और इस पानी को हम छन्नी की सहायता से छान लेंगे पानी को, ताकि अगर इसमें कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। इस तरह से हम छन्नी लगा के छान लेंगे इसको। ये देखिए, हमने पानी पूरा छान लिया है। अब इसको एक साइड रख देते हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप आटा। जिस कप से हमने गुड़ माप के लिया था उसी कप से हमने आटा लिया है। इस क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है आटे को। अब इसमें ऐड करेंगे हम गुड़ वाला पानी, आधा आधा ऐड करेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। और इसको विस्कर की सहायता से या फिर चम्मच से आप इस तरह से घोल बना लेंगे। एक पतला बैटर बनाना है इसका, अच्छे से मिलाएं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे बीच में। इस तरह से मिक्स करते हुए जाएंगे। ये देखिए, एकदम मिक्स हो रहा है और इसमें कोई गठान नहीं रहनी चाहिए बीच में। अच्छे से मिक्स करें बैटर को। अब जो बचा हुआ पानी है गुड़ वाला, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए, बैटर हमारा एकदम रेडी हो गया है और इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला है हमने। 1 कप आटे के लिए सिर्फ 1 कप पानी, और इतनी क्वांटिटी में हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 इलायची कुटी हुई, 1 चुटकी हम नमक ऐड कर रहे हैं और 1 चुटकी हमने बेकिंग सोडा लिया है। नमक डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नमक से इसमें हल्का सा खारापन जो आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब अच्छे से मिक्स कर दिया हमने बैटर को। अब चम्मच से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है बैटर की और बहुत ही बढ़िया बैटर बन के रेडी हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर पैन चढ़ा दिया है और इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे हम। ये नॉनस्टिक पैन है, आप चाहें तो नॉनस्टिक तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैन में बना रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर पैन को गरम कर लेंगे। अब बैटर डालेंगे इसमें हम। जितने बड़े आपको पूड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप बैटर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच डाला है और इसको राउंड शेप में इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते जाएंगे, जिस तरह से हम डोसे बनाते हैं उस तरह से इसको आकार देंगे हम। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और इस तरह से फैला देंगे इसको हम राउंड शेप में। एकदम पतला फैलाना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और इसको एक साइड से हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, 3-4 मिनट हो गए हैं और ये अपने आप किनारे इसके खोलने लगे हैं। तो सावधानी से इसके किनारे हम धीरे धीरे खोलते जाएंगे और पलटे या फिर स्पैचुला की सहायता से इसको सावधानी से हम फ्लिप करेंगे। एकदम सावधानी से करना है क्योंकि ये बहुत पतला है और बहुत ही लचीला होता है, तो टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से हमने फ्लिप कर दिया है। अब दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट सेक लेंगे हम इसको। एक बार और फ्लिप कर देंगे इस तरह से और फिर पलटते हुए 1 से 2 मिनट और सेक लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, इस तरह से एक बार और पलट देते हैं और दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से ये सेक गया है। कम से कम 6 से 7 मिनट तक हमने इसको सेक लिया है दोनों तरफ पलटते हुए और बहुत बढ़िया से ये सेक गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी दूसरे भी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से डोसे के आकार में हम फैला देंगे और पलटते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे
बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। ये मीठे गुड़ के पूड़े हैं, आप इन्हें किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं या फिर नॉर्मल ऐसे ही घर पर बना सकते हैं। इन्हें ठंडियों के दिनों में ज़्यादा खाया जाता है। अभी बारिश ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिनों से काफ़ी ठंडक बढ़ गई है, तो अभी हम इन्हें खा सकते हैं। और ये देखिए बनकर पूरे रेडी हो गए हैं। मीठे गुड़ के पूड़े काफ़ी टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। इन्हें आप मीठी खीर के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही चाय के साथ नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।